नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर साबराम जी, और साबराम जी से हम जानेंगे कि कोई भी पौधा फूल नहीं उठा रहा है, अगर फूल उस पर नहीं लग रहे हैं तो उसका क्या समाधान है, और उससे पहले हम कारण भी जानेंगे, क्योंकि आज हमें एक कॉमेंट आया सोनू जी का। उन्होंने हमसे पूछा कि मेरे पास शिमला मिर्च के पौधे हैं और उनके ऊपर फूल नहीं लग रहे, तो मैं क्या करूँ। तो ये सवाल बहुत से लोगों के होते हैं, किसी के पास शिमला मिर्च है, किसी के पास टमाटर है, भांति भांति की सब्जियां लोगों ने उगा रखी है, लेकिन सबसे बड़ी फसल के अंदर दिक्कत ये आती है कि पौधा फूल नहीं ले रहा। और अगर कोई पौधा फूल नहीं लेता तो उसमें कौन से केमिकल डालें, या फिर कौन से बायो फर्टिलाइजर डालें, या क्या समाधान हो सकता है, हम डॉक्टर साहब से आज जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप हमें ये बता दो कि कारण क्या होता है जब किसी पौधे के ऊपर फूल नहीं लगता। उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वनस्पतियां बढ़वार अच्छी है, लेकिन फूल नहीं लग रहा, कारण क्या होगा? जी अमित जी, उसमें मुख्यतः जो फ्रूट ना आने के कोई भी जो फसल है ना, उसमें दो तरह के कारण होते हैं। नंबर एक ये है कि उसको अपने बिना मौसम के अपने उगा दिए, जैसे कोई भी फसल अपने को सपोज करो फरवरी में लगाना था और अपने उसको दिसंबर में ही लगा दिए, तो वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करती जाएगी फसल, उसमें फ्रूट नहीं आएगा, क्योंकि उसको फ्रूट आने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक मौसम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हर एक फसल के लिए मतलब जरूरी है, नॉर्म चाहिए। और दूसरा ये रहता है कि बहुत सी बार हम लोग छोटे मतलब कम अगर दायरे में कोई खेती कर रहे हैं तो उसकी आप न्यूट्रिशन वगैरह थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, पानी ज्यादा दे दिया, तो वो क्रॉप उस तरह की क्या है, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ ही करती रहती है, फ्रूट नहीं आती। तो इन दोनों कंडीशन में मैं आपको एक कुछ बता केमिकल्स बता देता हूँ जिनका स्प्रे करने से, वो बायो भी होंगे तो उनका स्प्रे करने से आपको फ्रूटिंग भी आ जाएगी, आपका ये भी बेनिफिट होगा, दूसरा आपको इजिली मार्केट से मिल भी जाएंगे। जी, तो मतलब आप उन केमिकल्स का जिक्र अब करेंगे जो बायो फर्टिलाइजर भी उसमें होंगे और दूसरे भी होंगे जो पौधे के ऊपर फूल लगाने के काम आएंगे। बिल्कुल, है ना। तो आप बता दीजिए फिर कौन कौन से केमिकल हैं। सबसे पहले तो ये है, अगर अपने को ये लग रहा है कि अपने प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज्यादा इतनी ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन उसमें फ्रूटिंग भी नहीं आ रही, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन है तो आप एक काम कीजिए, मार्केट से सीवीड बेसिड जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं, जैसे वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड नेम से आएंगे, और उसका 2 से 3 ml per liter ऑफ वाटर के हिसाब से डोज बनाकर उसका स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, और इसका स्प्रे जो अपने को रिपीट करना है एक हफ्ते बाद दोबारा फिर से। अच्छा, सीवीड का जो स्प्रे हम करते हैं उसका दिन में कौन से टेम्परेचर के दौरान करना चाहिए, कौन से टाइम में करना चाहिए, थोड़ा वो भी बता दो। सबसे बढ़िया है अगर आप सुबह जैसे धूप निकली है तो उसी टाइम अपन करेंगे ना, जैसे अगर तेज धूप रहती है, गर्मियों के दिन है तो आप 9 बजे से पहले कर लें, अगर सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो उसको आप 11 से 12 बजे के आसपास भी कर सकते हैं, वो सबसे बढ़िया टाइम है, मतलब नॉर्मल सा टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर उस टाइम करो। बिल्कुल। अच्छा, और कौन सा सीवीड, कोई फर्टिलाइजर बात चल रही थी अभी, इसमें क्या होता है सीवीड का काम कैसे करता है, इसके अंदर सीवीड जो है इसमें अपने आप में न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, और कुछ एसिड्स होते हैं जो प्लांट में इस तरह का काम करेंगे कि उसको जल्दी जल्दी फ्रूटिंग की तरफ लेके जाएंगे। दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे थे कि अभी क्या करना चाहिए, जो प्लांट जो सीजनली क्रॉप है थोड़ी हाइट ज्यादा कर रही है लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा कर रही है, अर्ली सोइंग कर दी या कुछ भी है, तो उस पोजीशन में अपने पास दो तरह के केमिकल आते हैं, वो भी बायो में काउंट होते हैं वैसे, एक तो जिब्रलिक एसिड आता है और दूसरा आता है पैक्ट्राबुटाजोल। ठीक है, ठीक है जी। अभी जिब्रलिक एसिड जो है आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम के हिसाब से मिल जाएगा, और उसमें जो केमिकल जो कंपोजिशन है वो भी अलग अलग मिलेगी, लिक्विड भी मिलेगा आपको, पाउडर भी मिलेगा, तो आपको जो इजिली जो लिक्विड होगा जिब्रलिक एसिड वो आसानी से मिल जाएगा। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, सपोज किसी फार्मर ने कोई सब्जी या अपना कॉटन वगैरह कुछ भी लगा रखा है उसमें उसकी फ्रूटिंग नहीं आ रहा, तो आप उसमें एक बार पानी रोक लीजिए उसका, और आप जिब्रलिक एसिड का उसमें स्प्रे कीजिए 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। पानी रोकने का बेसिक उद्देश्य ये होता है कि भाई पौधा एक बार स्ट्रेस में आए, स्ट्रेस में जब पौधा आता है तब वो फ्रूटिंग लेता है, तब वो फूल, क्योंकि प्रकृति का एक नियम होता है, कोई भी पौधा अगर लगा है, चाहे कोई इंसान है, कोई भी है, वो आखिर अपना एक सीड इस धरती के ऊपर छोड़कर जाता है। जब भी वो भूख की तरफ बढ़ता है तो वो पहले चाहता है कि मेरी कोई नई संतान जो है संतान पैदा करके जाए, तो ये बेसिक नेचर का एक नियम है। अच्छा, जो आपने केमिकल्स तीनों बताए हैं उनके नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की ब्रांड का नाम हम ना दें, केवल केमिकल्स के बारे में ही लोगों को बताएं। हाँ, वो जो आप हाँ, फिर वो जिसका दिल करे वो उसी किसी भी ब्रांड का खरीदे, अपने को क्या है। बिल्कुल। अच्छा, जितने भी ये केमिकल हैं इनसे कोई नुकसान?
कोई इसका एनवायरनमेंट पे या क्रॉप पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने बाद में दो तरह के केमिकल बताए हैं या पहले जो सीवीड बताई है, तीनों चीजें न्यूट्रिएंट बेस ही हैं और क्रॉप फसल को मतलब ग्रोथ ही कराएगी या प्रोटीन की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, एनर्जी थोड़ा कन्वर्ट कर देती है ये, क्योंकि हर एक प्लांट में अभी जी क्या होता है कि हर एक कोई भी प्लांट है उसमें 5 तरह के हार्मोन्स वर्क करते हैं। जैसे मैंने बाद में बताया आपको जिब्रेलिक एसिड और ये पैक्ट्राबुटाजोल, ये इस तरह के हार्मोन्स हैं जो मतलब उसको जाके डायरेक्ट जो उसकी फ्रूटिंग और वेजिटेटिव ग्रोथ करने वाले जो हार्मोन है उसको हिट करेंगे और उसमें थोड़ा चेंजेस लेके आएंगे, जिस वजह से वो अगर वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है तो उसको फ्रूटिंग की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, एक बात ये कि जो ये केमिकल्स हैं अगर हम बेरुती फसलों पे इस्तेमाल करें तो भी इसका रिजल्ट मिलने की संभावना है? नहीं, इसके रिजल्ट अमित जी उसमें उस कंडीशन में इसके रिजल्ट कम हो जाएंगे। फिर अपने को थोड़ा बहुत कुछ नेचर का जो होता है उस तरह से टेम्परेचर या कुछ एनवायरनमेंट जो है वो भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पोली हाउस वगैरह जो लग रहे हैं मतलब इसी कंडीशन पे लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आज हमने आपको 3 ऐसे केमिकल बताए जिनका आप एक पैटर्न के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल करके आपके जो पौधे लगे हुए हैं, चाहे आपके किचन गार्डन में हैं चाहे आपके खेत में हैं, उनके अंदर अगर फ्लावरिंग नहीं है तो वो फ्लावरिंग ले लेंगे अगर आप उनकी स्प्रे करते हो तो। ठीक है, थैंक यू साबराम जी। जी हमें जी, धन्यवाद। देखते रहिए ABC इंडिया।